ये वाला टेलीग्राम आपको फॉलो करना है, ये लिंक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, इसी में सारे अपडेट मिलते रहेंगे, इसको जरूर फॉलो करके रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2019 के टॉपर सौमित्र देव त्रिपाठी जी हमारे साथ, और इनसे जानते हैं कुछ यूपीपीएससी 2020 के जो लोग मेंस में सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या क्या टिप देना चाहेंगे आप। हेलो एवरीवन, दिस इज सौमित्र देव त्रिपाठी और वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ऑफ यूपीपीसीएस 2020। एंड आप लोग बहुत ही अच्छा किए हैं और आप स्टार हो, और आई विश यू वेरी गुड ऑफ बेस्ट ऑफ लक। एंड आप लोग करंट अफेयर्स अपना थोड़ा मजबूत करके रखिए, और जो अपनी सीवी है, जो अपना आपका बायोडाटा है, उस पर वर्क करिए, और उसमें जो आपकी हॉबीज हैं या जो आपने अपनी डिग्री है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है उसको प्रिपेयर करके रखिए। और बाकी आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं या कोई इशूज़ हैं, जैसे कि क्या फॉर्मल पहनना है, किस टाइप का फॉर्मल पहनना है, या कोई भी सटल डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो उसके ऊपर एक कोई स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए छोटा छोटा, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप लोग की कोई भी क्वेरी हो, हम लोग ने एक इंटरव्यू के लिए पूरी टॉपर गाइडेंस टाइप का एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे क्वेश्चन का स्पेसिफिक डाउट क्लियर किया गया है कि भैया क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितने दिन का करंट अफेयर पढ़ना है, किस किस चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, और आपका जो सीवी वाले जितने पॉइंट होते हैं, कौन सी हॉबी है आपकी और उस पे क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं, कैसे ग्रिल करते हैं आपको। एक वीडियो सौमित्र देव त्रिपाठी जी का है, उन्होंने पूरी इंटरव्यू की प्रोसेस को डिटेल में बताया है कि कैसे गए, कैसे वहाँ पे फॉर्मेलिटी क्या क्या अदा की, कौन कौन से आरओ होते हैं वहाँ पे, क्या क्या आपसे पूछेंगे, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, कैसा माहौल रहता है, सब कुछ वहाँ पे बताया है। एक बार आप लोग वो वाली प्लेलिस्ट देख लो, इसके बाद आप लोग लेटेस्ट चार पाँच महीने के करंट अफेयर देख लेना, सीवी के जो पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, प्लस आपका जो भी आप जहाँ के हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, क्या अपॉर्चुनिटी है, यूपी में क्या अपॉर्चुनिटी चल रही है, क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीजों पे लगातार आपको एक वीडियो सीरीज देंगे सौमित्र देव त्रिपाठी जी, प्लस और भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी लोग एसोसिएटेड है जो टॉपर्स हैं उनसे एक पूरी सीरीज लाने जा रहा हूं। उस प्लेलिस्ट में जोड़ते रहेंगे, फ्री टेलीग्राम फॉलो करते रहिएगा और आपको वहां सारे अपडेट मिल जाएंगे। एक फ्री गाइडेंस इंटरव्यू का गाइडेंस ग्रुप है हमारा, उसमें सौमित्र देव त्रिपाठी जी पर्सनली आप लोग को गाइड कर सकते हैं। तो सौमित्र देव त्रिपाठी जी के अलावा और भी लोग हैं वहाँ पे, जो लोग यूपीपीएससी 2018 में सिलेक्टेड है, 2019 में सिलेक्टेड है और 2020 में सिलेक्शन करवाएंगे। देखिए सौमित्र देव त्रिपाठी जी की जो स्टोरी है काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। 5 बार इनका प्री नहीं निकला था, यूपीपीएससी का प्री, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी और फाइनली जब प्री निकला तो मेंस भी निकला, फाइनली सिलेक्शन भी हुआ और डिप्टी जेलर की पोस्ट भी मिली, और जो है लगातार अभी भी ये जारी है, प्रयासरत है, आगे देखिएगा, एक ना एक दिन एसडीएम भी बनेंगे जरूर। लगातार हम आपके साथ लगे रहेंगे यहाँ पे सौमित्र देव त्रिपाठी जी के साथ। और कोई अगर आपको जो है इंटरव्यू का सीरीज चाहिए या कोई और गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर देगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।